हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग क्लासेस मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी सो so, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यू या एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं रिलेटेड टू स्ट्रेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ठीक है कि माइक्रोब्स के अंदर स्टेलाइजेशन एंड इन्फेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके आई सी आर नेट के अंदर इसमें क्वेश्चन आते हैं सी एस आई आर नेट के अंदर भी इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड गेट एंड आई सी एम आर के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट किल एंडस फोर तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि एंडोस्पोर को किल नहीं करता है ओके okay? ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको अभी प्रोवाइड कराने वाली हूँ ये सभी क्वेश्चन रिपिटिवली हर एक एग्जाम के अंदर आए हुए हैं चाहे तो आपका गेट हो आई सी एम आर हो सी एस आई आर हो आई सी आर हो ठीक है हर एक एग्जाम में जिसमें माइक्रो बायोलॉजी एज इन सब्जेक्ट यूज होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो चलिए आंसर दीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट किल एंडोस्पोर को किल कौन नहीं करता है ऑटोक्लेव इंसरेशन हॉट एयर स्टेलाइजेशन या फिर पास्चराइजेशन येस द करेक्ट आंसर इज पास्राइजेशन सो दै सेकेंड क्वेश्चन इज मिल्क इज पास्च्चुराइज इन बैच मैथड बाय कीपिंग इट जो मिल्क होता है उसको हम पास्चुराइज करते हैं बैच मैथड के अंदर तो हम उसे कितने मिनट के लिए कितने टेम्परेचर पर रखते हैं सो द करेक्ट आंसर इज सिक्सटी थ्री डिग्री सेल्सियस फॉर थर्टी मिनट इसमें एक फ्लैश मेथड भी आता है फ्लैश मेथड जो होता है उसमें 72 डिग्री सेल्सियस फोर 20 सेकेंड रखा जाता है ठीक है दोनों तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं तो इसका आंसर है आपका फॉर सिक्सटी डिग्री सेल्सियस फोर थर्टी मिनट नेक्स्ट so क्वेश्चन है ए केमिकल दैट किल मोस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म बट डज नॉट किल स्पोर वो केमिकल जो कि मोस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को किल करता है लेकिन स्पोर को किल नहीं कर पाता है वो कौन सा ऐसा आपका केमिकल है तो वो होता है आपका डिसइंफेक्टेंट ठीक है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन बी स्ट्रलाइज इन ऑटोक्लेव ऑटोक्लेव के अंदर कौन सा ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि स्ट्रीलाइज किए जाते हैं ग्लव्स कल्चर मीडिया एंड ड्रेसिंग मटेरियल सो द करेक्ट आंसर इज ऑल दी अबो यानी कि जो आपका ऑटोक्लेव है उसके अंदर आपके ग्लव्स कल्चर मीडिया ड्रेसिंग मैटील ये सभी क्या करते हैं हम स्ट्रीलाइज कर सकते हैं सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसइनफेक्टेंट एक्ट बाई डिस्टर्बिंग माइक्रोबियल मेम्ब्रेन कौन सा ऐसे जो आपका डिसइंफेक्टेंट है जो कि डिस्टर्ब करता है माइक्रोबियल मेम्ब्रेन को सो द करेक्ट आंसर इज कैटाइनिक डिटर्जेंट जो कैटाइनिक डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं माइक्रोबियल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई हीट इस्टेलाइजेशन इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है ड्राई हीट स्टेलाइजेशन का सो द करेक्ट आंसर इज ओवन ओवन किसका एग्जाम्पल आपका ड्राई हीट इस्टेलाइजेशन का एग्जाम्पल है और अगर आप मोस्ट हीट का एग्जाम्पल पूछोगे तो वो क्या है आपका ऑटोक्लेव है दोनों तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आई सी एम आर के अंदर और गेट के अंदर ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं ओके okay? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस इन्फेक्टेंट कंटेनिंग ए हैवी मेटल इनमें से कौन सा ऐसा डिसइनफेक्टेंट है जो कि कंटेन नहीं करता है हैवी मेटल को सो ऑप्शन नंबर वन है सिल्वर नाइट्रेट देन म्यूकोक्रोम सेकेंड थर्ड वन इज़ कॉपर सल्फेट एंड डी है क्लोरीन। सो so, अगर आप देख रहे होंगे तो क्लोरीन जो है वो एक हैवी मेटल नहीं होता है ठीक है तो इसका जो आंसर है कि जो हैवी मेटल को कंटेन नहीं करता है वो क्या आपका क्लोरीन है क्योंकि क्लोरीन एक खुद में ही एक नॉन मेटल है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ स्टेलाइजेशन सिस्टम फॉर हीट सेंसिटिव आइटम एक्सेप्ट इनमें से ज्यादातर जो है स्टेलाइजेशन सिस्टम वो हीट सेंसिटिव के लिए यूज किए जाते हैं एक्सेप्ट सो द करेक्ट आंसर इज ऑटोक्लेव ऑटोक्लेव जो है वो हीट सेंसिटिव मेटीरियल के लिए यूज नहीं किया जाता है सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सरफेक्टेंट एक्टिव डिसंफेक्टेंट इसमें से कौन सा मोस्ट एक्टिव सरफेटेंट सरफेस एक्टिव डिसंफेक्टेंट है एम्फोटेरिक कंपाउंड्स, कैटाइनिक कंपाउंड्स, नॉन आइनिक कंपाउंड्स एंड आइनिक कंपाउंड्स। सो द करेक्ट आंसर इज आपका जो मोस्ट इफेक्टिव या मोस्ट एक्टिव डिस होता है वो है आपका कैटाइनिक कंपाउंड्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट टू स्टेलाइज हीट लेबाइज सोल्यूशन इसमें से कौन सा सबसे बेस्ट है जो कि स्टेलाइज करने के लिए हीट लेबाइज सोल्यूशन को यूज किया जाता है सो द करेक्ट आंसर इज मैमब्रेन फिल्ट्रेशन सो लास्ट क्वेश्चन है द टाइम रिक्वायर्ड टू किल नाइन्टी परसेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सैम्पल एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर इज दी वो कौन सा टाइम जो टाइम रिक्वायर्ड होता है हमें नाइन्टी परसेंट किल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी भी सैम्पल में तो उस स्पेसिफ़िक टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं या उस जो हमारी उस टाइम पे वैल्यू आती है वो क्या होती है सो द करेक्ट आंसर इज़ डी वैल्यू डी वैल्यू एक ऐसा स्पेसिफिक मतलब एक ऐसा टाइम है जो कि रिक्वायर्ड होता है 90 परसेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम को किल करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। सो द करेक्ट आंसर है आपका डी वैल्यू आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ लाइक शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सैनी लर्निंग क्लासेस को मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सो बाय एवरी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग